प्रियंका गांधी के बाद अब राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश आएंगे। बता दें आपको कि विंध्य में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया जाएगा। 8 अगस्त को राहुल गांधी विंध्य दौरे पर आ सकते हैं। सीधी में राहुल गांधी की आम सभा हो सकती है। सीधी में पेशाब कांड के पीड़ितों से भी वे मुलाकात कर सकते हैं। बता दें ये बड़ी बात होगी और महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि विंध्य से 2018 के चुनाव में कांग्रेस को बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिला था। विंध्य के परिणाम बीजेपी के पक्ष में गए थे। ऐसे में विंध्य को साधने के लिए एक बड़ी कोशिश कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। अब राहुल गांधी 8 अगस्त को विंध्य दौरे पर आ सकते हैं। आगे बढ़ते और अब बात मध्य प्रदेश की। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। मंत्रालय में शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बता दें आपको नवगठित जिला निवाड़ी से संबंधित प्रस्ताव पास किए जाएंगे। निवाड़ी के लिए विभागीय टीम दफ्तर खोलने का प्रस्ताव लेकर आएगी। कई फोरलेन फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी आज इस बैठक में मिलेगी। इसके अलावा मालवया से सलकनपुर तक फोर लेन का प्रस्ताव भी बैठक पर लाया जाएगा। इंदौर छापर रोड से ओंकारेश्वर तक फोर लेन का प्रस्ताव लाया जाएगा। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है, महत्वपूर्ण बैठक। कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई जाएगी और कई प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए की जांच में कई अहम खुलासे सामने आ रहे हैं। प्रदेश में सुफा से जुड़ने वाले जिहादियों की ट्रेनिंग होती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी। प्रदेश के रतलाम में ट्रेनिंग स्थल को कब्जे में लिया गया। जिहादी मानसिकता से जोड़कर उन्हें ट्रेनिंग करवाते थे, इसके बारे में उन्हें बताया जाता था। आईसिस से जुड़ा हुआ आतंकी संगठन है सुफा, जिससे जोड़ने के लिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी। संदिग्ध आतंकी इमरान के नाम पर पॉलिट्री फार्म भी है। रतलाम से इमरान संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुआ और राजस्थान में संगठन का आतंकी हमले करने का एक प्लान भी बन रहा था। और इन खुलासों के बाद अब आगे की जांच भी की जा रही है।